हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 की TVS Apache RTR 162V, जिसका हमारे पास स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट में टी ग्रे कलर अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, राइड विद आशीष चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, खरीदने की सोच रहे हैं आप 160cc सेगमेंट की एक पावरफुल मोटरसाइकिल खरीदना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बताऊंगा इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं और क्या रहने वाली है इसकी ऑन रोड प्राइसेस, और ये मोटरसाइकिल माइलेज कितना देती है, क्या ये आपके लिए वैल्यू फॉर बनी रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। फ्रंट से देखने में तो ये मोटरसाइकिल खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्लैक कलर की विंडशील्ड, जो आती है मजबूत क्वालिटी की। ये मोटरसाइकिल आती है बीस्ट इंस्पायर एलईडी हेडलाइट के साथ, जो मिल जाएगी AHO, यानी कि ऑल टाइम हेडलाइट ऑन। यहाँ पे आपको यूनिक स्टाइल में DRL मिल जाएगी, देखने में भी ये स्टाइलिश लगती है। और ये रहे एक्स शेप के पॉइंटेड हैलोजन इंडिकेटर, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह। दोस्तों, फ्रंट सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं आपको सिंपल से टेलीस्कोपिक, लेकिन फ्रंट फेंडर आपको मिल जाएगा ड्यूअल पार्ट में। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा मैट ब्लैक कलर में, और आगे की तरफ आपको मिलता है मैट ग्रे कलर का, जिसमें आपको कार्बन फिनिशिंग में स्टिकर मिल जाएगा और येलो कलर के स्टिकर के साथ। देखने में भी ये खूबसूरत दिखाई देता है। फ्रंट व्हील इसमें मिल जाता है आपको 6 स्पोक ब्लैक कलर की अलॉय व्हील के साथ, जिसमें आपको TVS रेसिंग का ड्यूअल टोन कलर में स्टिकर मिल जाता है। टायर इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है आपको TVS कंपनी का ही, जिसका साइज आता है 90/90/17 का ट्यूबलेस टायर। फ्रंट ब्रेक में आपको 270mm की पेटल डिस्क मिल जाती है। ये मोटरसाइकिल आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। दोस्तों, ड्यूअल चैनल ABS दे देते तो इसके लिए ये और भी ज्यादा एडवांटेज हो जाता। दोस्तों, साइड से देखने में तो ये मोटरसाइकिल एग्रेसिव स्टाइल में दिखाई देती है। टैंक का पोर्शन आपको थोड़ा मस्कुलर मिल जाएगा, इसमें आपको ग्राफिक थोड़े ही मिलते हैं जो आपको टैंक और पीछे टेल एंड में मिल जाएंगे। ये मोटरसाइकिल आती है BS6 फेज 2 के OBD2 E20 फ्यूल सपोर्ट के साथ। यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कलर के स्टिकर के साथ 9082 की बैजिंग मिल जाएगी। टैंक इसमें मिल जाता है आपको 12 लीटर का। टैंक में आपको मिल जाएंगे ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर। ये रहा TVS का 3D घोड़ा, और इस पोर्शन में भी आपको RTFI का स्टिकर मिल जाएगा। इंजन इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है आपको 159.7cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल स्पार्क प्लग एयर कूल्ड FI इंजन। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं आपको 3 मोड, स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन मोड। मैक्सिमम पावर ये स्पोर्ट्स मोड में जनरेट करता है 15.82 BHP की 8750 RPM पर, और अर्बन और रेन मोड में मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा ये 13.2 BHP की 8000 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क स्पोर्ट्स मोड में इसमें मिल जाएगा आपको 13.85 Nm का 7000 RPM पर, अर्बन और रेन मोड में मिल जाएगा आपको 12.7 Nm का 6500 RPM पर। दोस्तों, पावर और टॉर्क की वैल्यू तो आपको ठीक ठाक मिल जाती है। और ये रहा इसका 41 साल लेग गार्ड। इस मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं आपको ड्यूअल हॉर्न। इंजन काउल इसमें मिल जाता है आपको 41 शेप में, जिसमें आपको ड्यूअल टोन कलर में TVS रेसिंग का स्टिकर मिल जाएगा, जो आता है मजबूत क्वालिटी का। ये रहा एग्रेसिव स्टाइल में इसका ब्रेक पैड। ये राइडर फुटरेस्ट पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा स्टाइलिश सा पिलियन फुटरेस्ट। दोस्तों, इस पोर्शन में आपको कार्बन की फिनिशिंग मिल जाएगी, और ये रहा व्हाइट कलर में अपाचे का स्टिकर। एग्जॉस्ट इसमें मिल जाता है आपको लॉन्ग ट्रेडिशनल, जिसमें आपको स्टाइलिश सी क्रोम की हीट शील्ड लगी हुई मिलेगी। रियर व्हील और टायर आपको वही आगे की तरह सेम मिलता है, लेकिन इसका साइज आपको थोड़ा चौड़ा मिलेगा, जो आता है 120/70/17 का ट्यूबलेस टायर। इसके बेस वेरिएंट और ट्विन डिस्क वाले वेरिएंट में आपको मिल जाता है 110/80/17 का ट्यूबलेस टायर। रियर ब्रेक में भी आपको पेटल डिस्क मिल जाती है, जो आती है 200mm की। ये मोटरसाइकिल सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। TVS वालों, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देना चाहिए। और रियर में आपको मिल जाते हैं साइड माउंटेड ट्विन मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड स्प्रिंग सस्पेंशन, जो आते हैं एडजस्टेबल। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है आपको सिंगल सीट। यहाँ पे आपको दोस्तों कोई भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। राइडर सीट आपको थोड़ा डाउन मिलेगी और पिलियन सीट थोड़ा ऊंची मिलेगी, जिसमें आप 2 लोग ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। कुशन आता है इसका मीडियम क्वालिटी का। इस पोर्शन में भी आपको ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर मिल जाते हैं, जो देखने में खूबसूरत लगता है। और ये रहा इंडियन फ्लैग के साथ RTR 160 का स्टिकर। ग्रैब रेल भी इसमें आपको स्टाइलिश सी स्प्लिट मिल जाती है। इस पोर्शन में भी ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर लगाए हुए हैं, जो इसके लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना देते हैं। इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है आपको LED टेल लाइट, जो यूनिक स्टाइल में दिखती है। भाई, मुझे तो ये खूबसूरत लगी। और ये रहे इसके एक्स शेप में पॉइंटेड हैलोजन इंडिकेटर।
रियर फेंडर इसमें मिल जाता है आपको एग्रेसिव शेप में, जो आता है मजबूत क्वालिटी का, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह। गियर शिफ्टर इसमें मिल जाता है आपको एग्रेसिव स्टाइल में। इस मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे आपको 5 गियर, जो पहला डलेगा नीचे की तरफ और बाकी 4 ऊपर की तरफ। ये रहा सेंटर स्टैंड और ये रहा साइड स्टैंड। ये मोटरसाइकिल आती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ, और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा इसका हाफ चैन कवर जो आता है प्लास्टिक का, लेकिन ये मजबूत क्वालिटी का मिल जाएगा। ये रहा साड़ी गार्ड और ये रहा लेडीज फुटरेस्ट, जो इसमें आपको अभी लगा हुआ नहीं मिलता, खरीदने से पहले आपको लगा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाती है क्लिप ऑन हैंडल बार, जो आपको स्पोर्टी फील कराएगा। देख लेते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंजन किल स्विच और ये मोड चेंज करने का बटन, नीचे सेल्फ स्टार्ट, दूसरी साइड आपको मिल जाएगा पास का स्विच, हाई लो बीम स्विच, ये इसका इन्फो का बटन, इंडिकेटर टर्न स्विच और नीचे हॉर्न। दोस्तों एक कमी, इस मोटरसाइकिल में अभी भी कोई भी यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलता, ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है आपको फुल्ली डिजिटल, जो आता है लाइट ब्लू कलर की बैकलेट के साथ। हमारे पास इसका स्मार्ट कनेक्टर वाला वेरियंट है, तो इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको कॉल अलर्ट्स और SMS के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इससे आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। इसके ट्विन डिस्क और बेस वेरियंट में आपको ऑरेंज कलर की बैकलेट मिल जाएगी और भी इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। ये रहा RPM मीटर, ये रहा RPM काउंटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, ये रहा टाइम, ये रहा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का साइन मिल जाएगा और ये रहा साइड स्टैंड का ऑप्शन। ये बाकी इसके बेसिक से फीचर्स, तो देखने में खूबसूरत लगता है। चलिए जल्दी से बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो ओवरऑल लंबाई इस मोटरसाइकिल की आती है 2085 मिलीमीटर, चौड़ाई आती है 730 मिलीमीटर, ऊंचाई इस बाइक की आती है 1105 मिलीमीटर, व्हील बेस इसमें आपको मिल जाता है 1300 मिलीमीटर का, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिल जाता आपको 180 मिलीमीटर का, सीट हाइट इसकी आती है 790 मिलीमीटर की। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच भी है तो आप इसे कंफर्टेबली तरीके से राइड कर सकते हैं। टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है स्पोर्ट्स मोड में 107 किलोमीटर पर आवर की, और अर्बन और रेन मोड में आपको मिल जाएगी 97 किलोमीटर पर आवर की। वजन इस बाइक का आता है 138 किलो का। माइलेज मोटरसाइकिल दे देगी भाई 45+ का। इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए आपको दाम पे करने पड़ेंगे 128,120 रुपए एक्स शोरूम, जो RDO इंश्योरेंस मिला के ऑन रोड बैठ जाएगी लगभग 157,000 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर आप इसके मुकाबले NS 160 भी लेने जाएंगे तो वो भी आपको लगभग 12,000 रुपए महंगी पड़ जाती है। अगर आप एक्सट्रीम 160R को भी देखेंगे वो भी आपको 5,000 रुपए महंगी पड़ जाएगी। इस सेगमेंट में आपको सबसे सस्ती मोटरसाइकिल यही मिलती है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं पावर सेगमेंट की स्टाइलिश सी मोटरसाइकिल खरीदना, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाली है और ये वैल्यू फॉर मनी भी रहेगी। हालांकि पावर और टॉर्क की वैल्यू थोड़ा कम मिल जाती है, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी है। फैमिली पर्पस के लिए भी ये मोटरसाइकिल ठीक है। इस मोटरसाइकिल को हर कोई फैमिली का मेंबर चला सकता है। हालांकि कुछ कुछ कमियां हैं इस मोटरसाइकिल में, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दे तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आपको सिर्फ BS6 का अपडेट मिल जाता है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। और नीचे कमेंट में बताएगा अपनी राय और क्या क्या इसमें TVS वालों ने चेंजेस करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका राइडर दोस्त नवीन लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राइड सेफ।